नमस्कार आसाम सेल अफिशियल चेनेल स्वागत जानसो मरम बंधु बान्धवस आज नतुन चक्र चाकरी आपडेट लैसो यह आपडेट चार आगे एट रिकेस्ट जो अपनी आम चेनेल सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर रखी और बेल आइकन गई अलग गई क्लिक कर रखी एने जब आपडेट चाय थर तो बंधु बान्धवस सरकार तरफों पर नतुनक मुक्ति पाई से ग्रेड फोर पोस्ट तो एक पोस्ट आवेदन करें शिक्षागत अर्हता एट पास हमें अपनी आवेदन कर पड़े जो अपनी एट पास करते नौबा ततको अधिक पड़े तेहडियो सम्पूर्ण चाय थी कारण कि भिडियो सकोब डिटेल दी दीम कत एक पोस्ट मुक्ति पाई से केनेको एक पोस्ट आवेदन कर पड़े यार माथिली दरमा तो किमानक पा यह सकोबूर यह भिडियो जुगे आलोचना करो तो बंधु बान्धवस यार अफिशियल एडवर्टाइजमेंट एबार चाय लो आसाम जब 2023 एखन यार अफिशियल एडवर्टाइजमेंट है इतने कटेमान ग्रेड फोर पोस्ट मुकली पासे यार तल फल पोस्टर डिटेल्स समूह दिया आसे तो प्रथम देखिए पारिसे नेम अफ द पोस्ट तो पोस्टर नाम देखिए पारिसे पियनर पोस्ट है और यह पोस्ट ग्रेड फोर पोस्ट है यार पिछत देखिए पारिसे नम्बर अफ पोस्ट तो यार टोटल पांचटा पोस्ट मुकली करा हुआ है यार पिछत देखिए पारिसे यह पांचटा पोस्ट केटेगरी वाइज भगाई दिया हुआ है यूआर अर्थात सकलो कैंडिडेटर बाबे तीनटा पोस्ट मुकली करा हुआ है ओबीसी बाबे एटा पोस्ट संरक्षण करा हुआ है एससी बाबे एटा पोस्ट मुकली करा हुआ है यार पिछत देखिए पारिसे यार माथली दरमा तो यार देखिए पारिसे 12000 पर 52000 टका लेके यार माथली दरमा तो पाबो प्लस जीपी पाबो 3000 यार पिछत देखिए पारिसे टर्म्स एंड कंडिशन समूह दिया है तो प्रथम देखिए पारिसे अपनी भारतीय नागरिक हम लगे यार पिछत एज लिमिट दिया है 18-40 बस एक पोस्ट आवेदन कर पड़े जो अपनी एस सी एस टी कैंडिडेट है तेहले 45 बस अपनी आवेदन कर पड़े अर्थात 5 बस अतिरिक्त पा जो अपनी ओबीसी एमबीसी कैंडिडेट है 43 बस अपनी आवेदन कर पड़े अर्थात 3 बस अतिरिक्त पा जो अपनी एक्स सार्विसमेन है तेहले 42 बस अपनी आवेदन कर पड़े अर्थात 2 बस अतिरिक्त पा यार पिछत देखिए पारिसे पी एन पोस्टर एडुकेशन क्वालिफिकेशन तो यार देखिए पारिसे 8 पास कर एक पोस्ट आवेदन कर जो अपनी हायर सेकेंडरी पास करिसे नहबा हायर सेकेंडरीतक अधिक पड़े तेहले एक पोस्ट अपनी आवेदन नार पिछत देखिए पारिसे एक पोस्ट आवेदन अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन सार्टिफिकेट एन दी लगे ये सार्टिफिकेट अपनी हायर सेकेंडरी नहबा हायर सेकेंडरीतक अधिक ना पढ़ा बोले अपनी एन सार्टिफिकेट दी लगे अर्थात एन सेल्फ डिक्लेरेशन सार्टिफिकेट दी लगे यार पिछत देखिए पारिसे एक पोस्ट आवेदन करते कि डकुमेंट्स यार गाँथि दी लगे तो प्रथम देखिए पारिसे एडुकेशन क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेट और मार्कशीट एक अपनी गाँथि दी लगे यार पिछत देखिए पारिसे एज प्रूफ सार्टिफिकेट अपनी दी लगे यार पिछत कास्ट सार्टिफिकेट दी लगे यार पिछत वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एसोसिएशन सार्टिफिकेट अपनी दी लगे यार पिछत तीन कपि पासपोर्ट साइज फोटो अपनी यार गाँथि दी लगे तो बंधु बान्धवस एक पोस्ट ऑफलाइन जरिए आवेदन कर लगे अर्थात अपनी एन फर्म आस फर्म फिल आप कर आवेदन कर लगे फर्म भिडिओ शेषर फल कह दीम के फर्म फिल आप कर पड़े और यह पी एन पोस्ट कटार आवेदन फर्म अपनी कत पा भिडिओ जुगे कह दीम सो अपनी भिडिओ सम्पूर्ण चाय थी यार पिछत देखिए पारिसे जैसे अपनी आवेदन कर इनभलप अर्थात चिठर खाम एप्लिकेशन फोर द पोस्ट अफ पियन आपनि मेनशन कर दी लगे यार पिछत देखिए पारिसे जैसे अपनी एक पोस्ट आवेदन करार मोबाइल नम्बर तो दीब नपहर यह खूब इम्पर्टेन्ट है ना आपनक फेल कर दिया हम यार पिछत देखिए पारिसे यार लास्ट डेट देखिए पारिसे 6/3/2023 अर्थात 6/3/2023 तारिखे यार लास्ट डेट है बजाले अपनी एक पोस्ट आवेदन कर पड़े जो अपनी एक पोस्टर इंटरेस्टेड है तेहले 6/3/2023 आगे आगे आवेदन तो कर लो लगे यार पिछत देखिए पारिसे यार आवेदन एड्रेस तो अर्थात पोस्टल एड्रेस तो देखिए पारिसे द डिस्ट्रिक्ट एंड सीजन जज कमा कोकराझार कमा कोटपारा कमा वार्ड नम्बर 10 कमा पी ओ एन पी एस स्लेश डिस्ट्रिक्ट कोकराझार कमा आसाम कमा पिन नम्बर देखिए पारिसे 7833-70 यह एड्रेस अपनी पोस्टल जुगे आवेदन कर पड़े नहबा यह अफिस गई अपनी निजे गई जमा कर आवेदन फर्म देखने केनेकवा और केनेको ये आवेदन फर्म फिल आप कर लगे आहक आम एबार चाई लो तो बंधु भिडिओ देखिए पारिसे ये पियन पोस्टर आवेदन फर्म यार प्रथम यार फोटो यार आठा लगे लगे दी यार पिछत यार इम्पर्टेन्ट पॉइंट समूह आए यह पॉइंट समूह अपनी भलिदे पढ़ी चाह लो और यार लगते यार एड्रेस तो दिया है अर्थात पोस्टल एड्रेस तो दिया है सो अपनी पोस्टल एड्रेस तो भलिदे लिखी लब यार पिछत अपना इनभलप अर्थात चिठी पांच टकिया स्टाम लगभग लगे तो यार देखिए पारिसे पांच टका स्टाम यार लगे पे अपनी पठाई दी लगे तो यार तलफाले देखिए प्रथम नेम अफ द एप्लिकेन्ट आए सो प्रथम अपना निजर नाम तो लिखी दी कैपिटल लेटर लिख तरपार पितृ नाम तो लिख तरपार मातृ नाम तो लिख तरपार डेट अफ बार्थ तो अपनी लिखी दी लगे तरपत अपना बार्थ प्लेस तो लिखी दीते अपना पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट लिखी दी लगे यार पिछत देखिए पारिसे अपना एज तो कि बस कि माह कि दिन से लिखी दी लगे यार पिछत केटेगरी आए सो अपनी जो कास्टर है कास्ट अपनी इतना लिखी दी लगे यार पिछत अपना एड्रेस तो आए सो अपना कम्युनिकेशन एड्रेस तो अपना लिखी दी मोबाइल नम्बर
নম্বৰটো লিখি দিব, তাৰপিছত ইমেইল আইডিটো লিখি দিব। আৰু যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু এই কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো দুটা ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াত টিক মাৰ্ক মাৰিব আৰু ইয়াতো এই ছেম ছেম লিখি দিব, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি, এই সকলোবোৰ ছেম লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ ছেক্সটো আছে, মেল ফিমেল যিটো হয় সেইটো আপুনি লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে নেশ্যনেলিটি, নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ান হ'ব, চ' আপুনি ইণ্ডিয়ান বুলি লিখি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ৰিলিজন, চ' আপুনি হিন্দু নহবা মুছলিম নহবা শিখ হয়, যোনটো আপুনি ধৰ্মৰ হয় সেই ধৰ্মটো আপুনি লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে মেৰিটেল ষ্টেটাছ, চ' আপুনি যদি মেৰিড হয় তেনেহ'লে মেৰিড লিখিব আৰু যদি আপুনি বিবাহিত নহয় তেনেহ'লে আনমেৰিড বুলি আপুনি লিখিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে যদি আপুনি কম্পিউটাৰ শিকিছে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াছ দিব, নহ'লে আপুনি ন' দিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে ইয়াৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো, চ' আপোনাৰ যোনটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেই কোৱালিফিকেশ্যনটো আপুনি ইয়াত লিখি দিব লাগিব। যদি আপুনি এইট পাছ হয় তেনেহ'লে এইট পাছ লিখিব, যদি আপুনি নাইন পাছ হয় তেনেহ'লে নাইন পাছ লিখিব, যদি আপুনি টেন পাছ হয় তেনেহ'লে টেন পাছ লিখিব, যদি আপুনি ইলেভেন পাছ হয় তেনেহ'লে ইলেভেন পাছ বুলি লিখি মেনশ্যন কৰি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দেখিব পাৰিছে প্ৰফেচনেল, টেকনিকেল নহবা অৰ্ডাৰ কিবা কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ লগত আছে তেনেহ'লে আপুনি লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত ডিক্লেৰেশ্যন আছে, তাৰপিছত ইয়াৰ তলত ডেটটো আছে, তাৰপিছত প্লেচটো আছে, এই দুটা আপুনি লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ফুল নামটো লিখি দিব আৰু আপোনাৰ ইয়াত এটা ছিগনেচাৰ মাৰি পেলাই আপুনি ডকুমেণ্টছসমূহ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এখন ফৰ্ম ক'ত পাব? এই ফৰ্মখন আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি লগত ডকুমেণ্টছসমূহ গাঁঠি দি পেলাই আপুনি পোষ্টেল যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনো চাব বিচাৰিছে তাৰো লিংকটো আমাৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তাৰো লিংকটো আমাৰ ডিচক্ৰিপশ্যনতে দিয়া আছে, তাৰপৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট ওলাই ভালদৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপডেট ইমানেই আছিলে, আপডেটটো পাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰবাৰ লগ পোৱা খাতে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।